हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत मस्त होंगे। हम लोग मित्रों, अभी हम लोग 9 इंची की चुनाई कर रहे हैं। हालांकि 9 इंची की चुनाई जो है, कौन सा तरीका से आप लोग करते हैं, कौन सा तरीका से हम लोग करते हैं, ये सारा चीज़ वीडियो में बताएंगे। वीडियो जो है विस्तार से देखेंगे तभी आपको भी समझ में आएगा। अभी हमारे पास 9 इंची का दीवाल है, और दीवाल कैसे बनाना है और कैसे इसको चुनाई किया जाता है, सारा चीज़ हम वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को नए देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर भी नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले आप लोग का जो है मसाला और ईंटा, दो चीज़ पे विशेष ध्यान देना है चुनाई कर रहे हैं तो। इसमें जो है मित्रों, थोड़ा सा ईंटा गीला लगेगा और मसाला भी थोड़ा ही सा गीला लगेगा। और इसमें जो है साहुल एकदम से नीचे वाले रंगत से दिखा दीजिए एक बार, नीचे वाला रंगत से जो है आप लोग का साहुल करना है, मिला पड़े। और ऐसे जो है एक बार इधर से दिखा दो, इधर से आगे मेरा चुनाई देखिए। विशेष आप लोग का चाल पे भी ध्यान देना है। 9 इंची में 1.5 इंची का जो है, 1.5 इंची मार्जिन आप लोग का देना है चाल के लिए। जो आप लोग ज्वाइंट समझते हैं, ये वाला ज्वाइंट जो होता है, इस पे सेंटर में आप लोग का शेरू वाला जो है रादा आना चाहिए। और शेरू वाला रादा तो लगा ले उधर से, शेरू वाला रादा जो है मित्रों नहीं आएगा, तू लगा ना भाई उधर से। इधर से जो है एक ही बार आप लोग का 5 ईंटा का मसाला ऐसे बिछाना है। मसाला देखिए हमारा करेसर वाला रहता है, मिट्टी वाला रहता है, इस्तेमाल ना करे कभी भी चुनाई में। चुनाई का जो है चुनाई कमजोर हो सकता है, इसलिए तो आप लोग विशेष ध्यान देना है। मैक्सिमम आप लोग 10 ईंटा का मसाला आगे को ऐसे फैला कर खूब बढ़िया से बिछा लेना है। उसके बाद में मैक्सिमम 8 mm आप लोग का मसाला का फेंट देना है चुनाई में। देखिए जितना पे हम लोग दिए हैं प्रॉपर आप लोग का फेंट देना है, और बिल्कुल धागा में लगाना है। थोड़ा सा पास में आकर दिखाइए, यहाँ पे जो है देखिए फेंट 8 सूता है, और 8 सूता में थोड़ा सा आगे से फ्रंट से आ जाइए। इधर से जो कैमरा मैन थोड़ा नवा है इसलिए समझाना पड़ता है मित्रों, और ऐसे फिट दे दे कर आप लोगों को चुनाई करना है। विशेष ध्यान आप लोगों को देना है यहाँ पे, जहाँ पे ज्वाइंट आप लोगों को काटना है वहाँ पे ऐसे सूता के बराबर ही चलना मित्रों, ऐसे खूब बढ़िया से लगाना है चुनाई, ताकि आपका भी नाम हो और आगे भी आपको भी काम मिलता रहेगा। वैसे अगर फ्रेश चुनाई करेंगे तो ऐसे देखिए, थोड़ा सा इधर से देखा ना भाई। हाँ यहाँ पे देखिए एक बार फिर हमसे मसाला बिछा रहे हैं आगे। यही आप लोग का गलती जो है ना, थोड़ा सा जल्दीबाजी आप लोग कर देते हैं तो चुनाई उल्टा पुल्टा टेढ़ा फेढ़ा सारा चीज हो जाता है। तो इस पे ध्यान देना है, चुनाई में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाएं तभी आप लोग जो है मिस्त्री का काम जल्दी में सीख पाएंगे। ऐसे फिर से ऐसे मसाला आप लोगों को बढ़िया से देना है लगा के। ये देखिए ऐसे हो गया। उसके बाद में फिर से ईंटा जो है तौर लगाना है, गीला लगाना है। देखिए यहाँ पे विशेष ध्यान आप लोगों का कहाँ पे देना है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है सेंटर में ज्वाइंट आना चाहिए, ये वाला ईंटा के बीच में। उसके बाद में आप लोगों को जो मर्जी जो करना है, थोड़ा सा मसाला अभी हम लोग के पास में जो है ख़त्म होने वाला है, और लेबर जो है इतना काफिर जो मजबूती होता है ना लेबर से होता है, और लेबर जो है मसाला अगर ढंग से नहीं मिला पाता है तो 2-4 करनी उसको लगा देना है। और सबसे पहले आप लोग जो है मसाला में विशेष ध्यान देना है, मसाला में सीमेंट ना होना ज़्यादा होना चाहिए, कम ना होने, दीवार का जो लाइफ है ख़त्म हो जाता है। एक हथौड़ा मारेंगे ईट बाहर आएगा, मसाला उसी में सट जाएगा। ऐसे ईंट दिखा दीजिए एक बार, हेवी क्वालिटी का ईंटा है जो कि 1 नंबर ईंटा है ये, इससे भी आप लोग का चुनाई कराना है। 2-3 नंबर ईंटा ना लगाएं। जो अपने बिहार वाले अगर भाई देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और वीडियो का जरूर शेयर कीजिए भाई, क्योंकि आगे वाला जो बिहार वाले काम कराते हैं 2-3 नंबर ईंटा से, उनको भी पता चलेगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे फेंट आ गया है, हम लोग फेंट में थोड़ा थोड़ा इसमें माल डाल देंगे ताकि ये चुनाई जो है मजबूत होगा, सुराग दिखेगा नहीं। और बिल्कुल आप लोगों को फेट लगा के चलना है तभी चुनाई जो है थोड़ा सा मजबूती होगा, ज़्यादा इसमें फेट भी नहीं लगाना है।
अब इसके ऊपर जो है हम लोग इधर से दिखा, थोड़ा सा नजदीक से यहाँ पे हम लोग सेरू लगाए हैं और नीचे को बाही लगाए हैं। और बाही में सेरू में अंतर ये होता है कि चाल का जो डिफरेंस होता है ये चाल बांध देता है। ऊपर से हम लोग इस तरह कैसे बाही लगा दीजिए, सेरू लगा दीजिए और नीचे बाही लगा दिए, दोनों चाल जो है पकड़ लेता है, इधर से भी पकड़ लेता है इधर से भी पकड़ लेता है। तो यही चीज जो है आप लोग बिरिकी बिरिकी तरीका से आप लोग को समझना है। और समझने के बहुत सारा लोग जो होता है वीडियो को स्क्रिप करके देखते हैं, उनको थोड़ा भी पता नहीं चलेगा। तो हम लोग फिर से हम लोग ठेहा बांधेंगे और ठेहा पे जो है चाल हम किस तरीके से बनाते हैं ये आप लोग को पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग मसाला रख लिए 8 ml, मैक्सिमम आधा इंची आप लोग मसाला का जो है मार्जिन लेकर चलना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग रख लिए। अब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा ईंटा नहीं बिछाएंगे, 2 ईंटा बिछाएंगे, 2 ईंटा जो है साहुल में लगाएंगे, उसके बाद में सूता इस पे तानेंगे। यहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा 1.5 इंची पीछे करके हम लोग ईंटा लगा रहे हैं, क्योंकि आगे का जो चाल होता है, आगे का चाल यहीं पे से शुरू होता है और यहीं से ख़त्म भी होता है। तो यहीं से हम लोग पहले शुरुआत करेंगे, आप लोग अभी शुरुआत ठेहे से करना है और ये वाला ईंटा बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। अब इसमें हम 2 ईंटा रख दिए और 2 ईंटा से हम लोग साहुल लेंगे नीचे से, नीचे से दिखा दूँ। आप लोग से पहले भी बोला था कि एक ही जगह से आप लोग का साव लेना है, मैक्सिमम इतना इतना हटना चाहिए, दो दो सूता हटना चाहिए। तो ये हमारा जो है काम छिया वाला हो गया। आगे हम लोग मिलाएंगे सूता में, और सूता से मिलाने से पहले आप लोग ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों के शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद मित्रों।